वेलकम टू टेक्निकल शीज़ा। शादियों का सीज़न आ रहा है और अपने हस्बैंड और वाइफ को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो इस तरह की तस्वीरें बनाओ और उनको भेजो, वो ज़रूर इम्प्रेस हो जाएंगे। पिक्सआर्ट पे आओ और यहाँ पर आके कोई भी एक फ्रेम सेलेक्ट करो और उसके बाद इसका रेशियो सेलेक्ट कर लो। साइज़ आप जो भी चाहते हो आप वो वाला साइज़ रख लो। यहाँ पर मैंने यहाँ पे 16:9 साइज़ रखा है। और अब यहाँ पर आकर आपने क्या करना है कि यहाँ पर ड्रो पे क्लिक करना है और पेंसिल के निशान पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आके अपने शेप का साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये वाला साइज़ सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि इसकी नोक जो है वो काफ़ी परफेक्ट बन जाती है। इसके बाद जब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी तो यहाँ पर जो एक दफ़ा इसको रखने के बाद इरेज़र को प्रेस किया मैंने और यहाँ पर जो बाकी एक्स्ट्रा हिस्सा है ना उसको मैंने कर लिया है इरेज़। उसको इरेज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पर आऊँगी, एम्प्टी लेयर पर क्लिक करूँगी। एम्प्टी लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और लेयर बन गई है। अब मैं इसको XOR पे सिलेक्ट कर दूँगी। अब यहाँ पर आपने वापस शेप वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर शेप सेलेक्ट करनी है। शेप में कोई कलर नहीं आ रहा है तो आप नीचे पहले कलर्स पे जाओ। कलर्स पे जाके कोई एक कलर सेलेक्ट कर लो, ये जो है ट्रांसपेरेंट आपके पीछे जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर इसको ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कर लो ताकि हमारी तस्वीर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे और देखने वाले को लगे कि हाँ भाई एफर्ट्स तो किए हैं आपने। अब आपने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है और एडजस्ट कर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको टिक कर देना है। और फिर टिक करने के बाद दोबारा आपने वही ऑप्शन पर आना है, ड्रॉ वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आके आपने एक और शेप जो है वो सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर ना बेसिकली हम दो शेप बना देंगे। देखिए, एक तरफ आप अपनी वलीमे की तस्वीरें रख लें और यहाँ पर आप अपने कोई दूसरे फंक्शन की, लाइक किसी भी फंक्शन की रख लें, मेहंदी वगैरह या बारात की रख लें, ठीक है। और फिर हम थर्ड सेक्शन में आप जो है आपका जो थर्ड फंक्शन होगा उसकी आप रख लीजिएगा अगर होगा तो। अब हमारा एक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे पिक्चर्स और यहाँ पर जो मैंने पिक्चर सिलेक्ट किया है ना, आप गूगल पर जाकर लिखोगे रेन ऑन लंदन स्ट्रीट्स तो ये आपको वहाँ पर से मिल जाएगी। और अगर कोई और तस्वीर लगाना चाहो तो मैं आपको स्ट्रेस करूँगी कि ना ज़्यादा डार्क लगाना और ना ज़्यादा लाइट लगाना, बस ऐसे नॉर्मल सी सिंपल सी लगाना जो कि रोमांटिक भी लगे। अब उसके बाद हम फिल्टर्स में आए और फिल्टर्स में आके हम इसको ब्लर कर देंगे। अब हमें इसका तस्वीर वाला हिस्सा ब्लर चाहिए और दूसरा बैकग्राउंड है ही ऑलरेडी वाइट। अब हम क्या करेंगे, जो इसके जो दो ये है ना, बस इनको थोड़ा क्लियर कर लेंगे। ऊपर आप देखोगे ना तो इरेजर का बटन होगा, उससे ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इजीली। और यहाँ पर आपने आके हल्की सी डिटेलिंग कर लेनी है ब्रश की, के यहाँ पर से ना ये बस इसका जो साइड है ना ये क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे जाके जब हम इसके ऊपर तस्वीर लगाएंगे ना तो ऐसे लगेगा कि दूल्हा और दुल्हन के फेस पे रोशनी आ रही है। और अब ये जो ऑप्शन है ना, इससे आप डायरेक्ट एक गोल सर्कल के अंदर इरेज कर सकते हो ब्लर को, ठीक है। तो आपको काफ़ी न्यू टिप एंड ट्रिक्स भी पता चल जाएंगी इस वीडियो के ज़रिए। अब आपने निकाल लेनी अपनी वलीमा पिक्स। अच्छा, इसका बैकग्राउंड मैंने कैसे इरेज किया है, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर इरेज किया है। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाओ और देखो किस तरह से 2 सेकंड के अंदर बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है। अब यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लें और इसके शेडोज़ को भी एडजस्ट कर लीजिएगा। सेटिंग आपको सारी नज़र आ रही होगी, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर आप अपने दूसरे फंक्शन की तस्वीर लगा लें। इसके लिए भी एक ट्रिक है, जो तस्वीर आपने सेलेक्ट की है एंड पर जाएं और यहाँ पर शेप्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आके राउंड शेप सेलेक्ट कर लें। बिना किसी मेहनत के 2 सेकंड के अंदर आपकी तस्वीर बिल्कुल गोल क्रॉप हो गई है। और अब यहाँ पर आकर अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसका येलो कलर सेलेक्ट कर लें, नहीं करना तो नो इशू, वैसे अच्छा लगेगा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आके मैंने इस तस्वीर को फ्लिप कर दिया है। नीचे सारे के सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। फ्लिप करने के बाद यहाँ पर इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूंगी। यहाँ मैंने इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर दूल्हा राजा की तस्वीर लूँगी और यहाँ पर उसको भी सेम एज इट इज़ शेप में लाकर और सेम टू सेम वही ऑप्शंस के साथ इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दूँगी। अब आप चाहें तो ऊपर एक ऑप्शन होता है, उससे आप मूव डाउन या मूव अप कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर मूव डाउन कर दिया है, सबसे ऊपर आपको ऑप्शन वो नज़र आ जाएगा। बाकी सेम एज इट इज़ मैंने वही स्टेप फॉलो करके इस तस्वीर को भी
क्लियर कर लिया। इरेजर के बटन पे जाके मैंने रीस्टोर का बटन प्रेस किया था और रीस्टोर प्रेस करने के बाद सेम एज इट इज़ मैंने शेप सेलेक्ट की थी और शेप जो है वो यहाँ पर मैं इसको दे रही हूँ और शेप की जो हार्डनेस है वो मैंने बिल्कुल कम कर दी थी ताकि इसके जो फेदर्स हैं वो बड़े इजीली आपको शो हो जाए और ऐसे लगे कि बहुत खूबसूरत तरीके से ये तस्वीर के अंदर फिट हुई हुई तस्वीर है, ना कि ऐसे लगे कि बस आपने इसको चिपका दिया। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी और आखिरी तस्वीर की तरफ और ये मैंने जो है तस्वीर के ऊपर पहले ही फ़िल्टर लगा के रख लिया था। अगर आपको चाहिए कि कौन सा फ़िल्टर था तो आप देखते रहिए, मैं आपको इंशाल्लाह आगे बता दूंगी। और यहाँ पर आकर आपने इस तस्वीर को ना सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी एक गलती हो गई थी कि मैंने तस्वीर को थोड़ा सा टेढ़ा करना था, लेकिन टेढ़ा करे बिना ही मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लियर कर दिया। आप पहले इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिएगा और फिर इसको आप जो है ना सफाई के साथ इसको एडजस्ट कर दीजिएगा। अब मैंने जो आपको कहा था कि इसमें मैंने कौन सा फ़िल्टर लगाया था, इफ़ेक्ट्स में जाकर आपने एंड पे चले जाना है मालिक होगा पेपर में आकर यहाँ पर एक फ़िल्टर है, मैं इसको जूम इन आपको करके दिखाती हूँ। स्टेंसलर 4 इसका नाम है। आप इसको सिलेक्ट करके अपनी तस्वीर को इस तरह से बना सकते हो और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिएगा तो फिर आपकी मेहनत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगी। अब मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया और यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके इसको थोड़ा मैंने कभी रीस्टोर किया है, कभी मैंने इसको जो है इरेज़ किया है, जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा था इरेज़ करना चाहिए वहाँ वहाँ से मैंने इसको इरेज़ किया है और फिर जहाँ से मुझे लग रहा था कि इसको रीस्टोर करना चाहिए वहाँ से रीस्टोर करके मैंने इसको तस्वीर को एकदम ऐसे बना लिया है। अब थोड़ी सी बस मेहनत लगेगी इस चीज़ में, बाकी आप इंशाल्लाह बिल्कुल 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये तस्वीर आप मुकम्मल बना लोगे। अब तस्वीर आपके सामने है लेकिन अभी भी तस्वीर थोड़ी सी फेक लग रही है। इसको रियल बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी लाइटिंग। पहले तो मैंने यहाँ पर लेज़र जो है पिक्सआर्ट का अपना ऑप्शन है, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, यहाँ पर आप आके उसको सिलेक्ट करेंगे। इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा ओवर नहीं लगना चाहिए, एकदम रियल तस्वीर लगनी चाहिए, प्रोफेशनल लगनी चाहिए। उसके बाद ये स्टिकर्स हैं, आप पिक्सआर्ट के ऊपर लाइट लिखोगे तो ये स्टिकर आपके आगे अपेयर हो जाएंगे थोड़ा ढूंढने के बाद। और यहाँ पर आप अपने स्टिकर्स लगा लो, इसकी ओपेसिटी कम करते जाओ और साथ साथ यहाँ पर आप ना ये जो दो तस्वीरें हैं राउंड वाली और जो साइड वाली तस्वीर है इसके फेस जो है वो साफ़ करते जाना तो फिर बाद में आपको मुश्किल नहीं होगी, वरना सारी की सारी लाइट जो है ना इनके फेस पर आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ, ऊपर इरेजर का ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं इनके फेस भी साफ़ कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसकी ओपेसिटी भी कम करती जा रही हूँ। एक दफ़ा जब आपको लगे कि हाँ ये अभी काफ़ी ज़्यादा रियल दिख रहा है और प्रोफेशनली एडिटेड लग रहा है तो फिर आप बस इसको ख़त्म कर सकते हो। वैसे एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 8 स्टिकर्स यूज़ कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम आप इसमें 5 स्टिकर्स यूज़ कर लेना, लेकिन इससे कम या इससे ज़्यादा मत करना वरना वो बहुत बुरा लगेगा। और अब यहाँ पर आकर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, कुछ अच्छा सा, कुछ प्यारा सा जिससे आपकी यादें जुड़ी और जिसको देख के आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को आप पे और ज़्यादा प्यार आए, कुछ ऐसे से सोच के रख लेना ना, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लेना। आप सब कुछ मैं थोड़ी बताऊँगी। और यहाँ पर आके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर स्ट्रोक लगा सकते हो और स्ट्रोक लगाने के बाद आप इसके शेडो सेलेक्ट कर सकते हो। और ये जो फॉन्ट है ये आपको इजीली इसी पिक्सआर्ट के अंदर से ही मिल जाएगा और बस आपकी तस्वीर तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।